पलवल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, जहां पुलिस ने एटीएम के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, होटल थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लोगों के एटीएम कार्डों को बदलकर उनके पैसे निकालकर फरार हो जाया करता था। आरोपी ने होटल के एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से उपभोक्ता का कार्ड बदलकर 8,000 की नकदी निकालने के आरोप में थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का नाम जुल्फकार बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वो बाइक भी बरामद की जिससे आरोपी युवक इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तार युवक ने पलवल, भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में एटीएम कार्ड बदलकर नकदी निकाले जाने की दर्जन भर से अधिक वारदातों को कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी से नकली कार्ड बरामद करने और उसके एक फरार साथी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। जो एटीएम बदला था वो एटीएम रिकवर करना इससे, और जो इसने तीन चार वारदात पलवल में 2-3 महीने पहले कर रखी है एटीएम बदलने की, जो किसी में 8,000 किसी में 10,000 ऐसे पैसे बदल दिए, पहले भी ले जा चुके हैं। और मानेसर गुड़गावा, खुद गुड़गावा में भी और भिवाड़ी, इसने करीबन कोई 14-15 वारदात कबूल लिया। थाना प्रभारी उमर मोहम्मद ने बताया कि उनको मुगुर द्वारा सूचना मिली कि एटीएम कार्ड बदलकर उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का चूना लगाने वाला आरोपी पुनाना चौक के निकट खड़ा हुआ है, जो कहीं भागने की फिराक में था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक को मौके से ही धर दबोचा। ऐसा कि इन्होंने ना 29 तारीख को ये लड़का अपने एटीएम को पैसा निकाल रहा था, तो अपने चिटिंग बाजी करके नहीं उसका एटीएम बदल के और दूसरे एटीएम से पैसा निकाल लिए इसने, जो ये 29 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, तो मुखबर के उस पर गिरफ्तार किया था अपने पुराना मोड से। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को गांव नगला एहसानपुर निवासी शब्बीर की शिकायत पर पुलिस ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर 8,000 रुपए निकाले जाने का मामला दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया हुआ था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने उक्त वारदात के अलावा पलवल, भिवानी, गुरुग्राम, मानेसर, मेवात और फरीदाबाद में कई दर्जन वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तेवतिया की रिपोर्ट।